जनता ने जनादेश दिया है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? मुझे जिस दिन चुनाव लड़ने आए थे उसी दिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि बक्सर के मिट्टी से जन्मे हुए लोग को समर्थन करेंगे लोग यहाँ। उस उम्मीद पर बक्सर के सभी मतदाता, सभी वर्गों, सभी धर्मों, जातियों के लोगों ने खारा उतरने का काम किया। मैं बक्सर के स्वाभिमान और सम्मान और विकास की लड़ाई को जरूर आगे ले जाने का काम करूंगा। कैसा लग रहा है आपको सुधाकर जी? अभी ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है, जिम्मेदारी जब मिलती है तो जिम्मेदारी का एक भार भी है, तो ये उस भार को हम लोग महसूस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको पूरा करेंगे, पूरी जिम्मेदारी को। विपक्षी जो डराते थे बार बार जंगल राज कह के, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ तो बिहार में नीतीश कुमार के राज में मैं लगातार कहा कि जंगल राज है, भ्रष्टाचार को देखना है तो दूर क्यों जाना है, अपने प्रखंड मुख्यालय में चले जाइए। इस राज में जंगल राज देखना है तो पलायन देख लीजिए, करोड़ों लोग बाहर चले गए। जंगल राज देखना है बिहार में तो आमदनी में सबसे फिसड्डी हैं हम लोग आम आदमी। जंगल राज देखना है तो सृजन कांड का घोटाला देख लीजिए। जंगल राज देखना है तो नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड देखिए। तो ये जंगल राज के प्रतीक नीतीश कुमार अब हैं इस बिहार में जो जनमत है वो संसदीय क्षेत्र में तो बहुत अच्छा किया है, क्या कहिएगा? केंद्र में भी आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, एनडी गठबंधन ने, इसके बारे में। एनडी गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, ये टीवी चैनल पे जो दिख रहा है उससे बेहतर परिणाम आने जा रहा है। जैसे कि मेरा ही परिणाम पीछे जा रहा था, इस तरह से कई जगह दिखाया जा रहा है, हम सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। जीत का श्रेय किसे देंगे? जनता को। यहाँ एकदम संपूर्ण रूप से लोगों ने विश्वास किया, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि बक्सर ने लोगों ने अपने बेटा को चुना है, अब इस विश्वास के साथ कि हम उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे। क्या प्राथमिकताएं होंगी आप? हमारी प्राथमिकताएं बहुत साफ है, सुशिक्षित, सुसंस्कृत और किसानों की आमदनी बढ़े, बक्सर समृद्ध बने। ये लड़ाई हमारा था, स्लोगन था और नारा था, उसमें बहुत चीज़ें आएंगी। ऐसा आप अनुमान करें कि एक संसदीय राजनीति में पार्लियामेंटेरियन से बड़ा कोई पद नहीं होता, और वो सभी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, जो नीति का सवाल हो या डेवलपमेंट का सवाल हो। पॉलिसीज को ठीक से समझना होगा, डेवलपमेंट से ज़्यादा ताकतवर पॉलिसीज होता है। अगर आप पॉलिसी नहीं बना पाएंगे तो आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। यहाँ के लोगों ने कभी बात ही नहीं किया 24 सालों से दिल्ली में, पॉलिसीज पर बात नहीं किया, स्वाभाविक है कि डेवलपमेंट भी नहीं होगा। अब किसानों के लिए हितैषी देखे गए हैं, क्या किसानों के लिए आपका नगरपालिका का स्टाफ अप्रोच है, क्या माना जाए कि चौसा में जो ज्वलंत मुद्दा है वो सिंह सल्व कर दे? निश्चित सुलझाएंगे, किसानों के स्वाभिमान और सम्मान की जो लड़ाई है उठा करके उस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। पहले उनका मामला सुलझाएंगे, तब परियोजना को भी आगे बढ़ाएंगे।